Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10, exercise 10.5. This is last question number 12 for class 9. Question which is given, prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. हमें प्रूफ करना है कि एक cyclic parallelogram है, तो उसके लिए हम सर्कल बना लिए और parallelogram बनाए. Parallelogram क्या होता है कि इनके opposite sides जो है वो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल होते हैं. एक तो ये दो चीज हिंट इसमें गिवन है. एक तो ये पैरेललोग्राम साइक्लिक है तो हम उससे कुछ चीज ले सकते हैं. दूसरी चीज हमें गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है. क्या है एक पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम का भी हम जो भी प्रॉपर्टी है उन सबको लेकर के सॉल्यूशन कर सकते हैं. तो सिंस ये तो यहाँ पे मैं लिख दूँ टू प्रूफ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. ये हमें प्रूफ करना है. रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है तो वो चीज़ मैं ले लूँ, यानी कि उनके चारों जो एंगल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी विच इज 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना है. ए बी सी डी इसी चीज़ को प्रूफ करना है कि इनके चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कि सिंस ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर या तो फिर पैरेललोग्राम है तो इनके ओपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. एंगल ए प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या डालेंगे? सम ऑफ ओपोजिट एंगल्स. सम ऑफ ओपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. ओके, सिमिलरली एंगल बी प्लस में एंगल डी, इसे इक्वेशन 1 बना लेंगे. एंगल बी प्लस में एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन सेम जाएगा दोनों का, इसे भी इक्वेशन 2 बना लेंगे. ओके, दोनों का रीजन सेम है कि सम ऑफ ओपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, और इनका प्रूफ मैं ऑलरेडी थ्योरम में करवा करके दे रखी हूँ. आप उस थ्योरम पे जा करके देख सकते हो. अब हम आते हैं कि एक पैरेललोग्राम है तब क्या होता है. पैरेललोग्राम का जो ओपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो नाउ इन पैरेललोग्राम एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4, और दोनों के लिए क्या होगा कि ओपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यहाँ पे मैंने अब पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है उसे लिया. अब दोनों में हम क्या करते हैं कि ए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री वन और थ्री दोनों से लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवेन है कि एंगल ए प्लस में एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है ना, एंड एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर. तो वी कैन राइट लाइक दिस, एंगल ए प्लस में एंगल ए, तो एंगल ए प्लस में एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री. टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में टू कैंसिल हो गया 90 डिग्री. क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ए और सी दोनों इक्वल है. तो एंगल ए इक्वल टू
एंगल सी इक्वल टू 90. सिमिलरली इसी प्रकार से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री. सेम ही प्रोसेस से जब कोई चीज़ सॉल्यूशन होता है तो हम उससे दोबारा सॉल्व ना करके उसे क्या दे देते हैं, सिमिलरली लिख करके, क्योंकि ये भी देखो सेम ही हमें उसी मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा. एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, देन मैं क्या लूँगी इक्वेशन 2 और 4, इन दोनों को लिया तो बी और डी दोनों इक्वल है, तो अब मैं क्या करूँगी कि डी के जगह पे बी को ही रिप्लेस करके लिखूँगी, एंगल टू बी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट्स वाई एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 290 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे मैं सिमिलरली लिख दी, सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री. चारों एंगल क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए. हमें यही चीज़ प्रूफ करना था, क्योंकि जब भी साइक्लिक कोई भी पैरेललोग्राम हो उनके सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री हैं तो इट मीन्स कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है. तो सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर गिवन पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. Hence proved. Okay, इस तरीका से हमने प्रूफ किया गिवन रेक्टेंगल पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल है. आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें.